लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि इसी तरह का यूपी में एक और हादसा हो गया। इससे पहले बांदा से भी ऐसी ही एक दर्दनाक घटना सामने आई थी। अब हरदोई के सोल्जर बोर्ड चौराहे से एक ऐसा ही वाकया सामने आया है जिसमें शाम 5 बजे आशा नगर निवासी 16 साल का छात्र कोचिंग पढ़ने जा रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने छात्र को टक्कर मार दी। आसपास के लोग दौड़े तो चालक ने कार भगा ली। इससे कार के पिछले हिस्से में फंसा छात्र भी घसीटते हुए चला गया। मुख्य मार्ग से गली में जाने पर करीब 1 किलोमीटर के बाद कार पकड़ में आई। हादसे के दौरान छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। शहर कोतवाली इलाके में शाम के तकरीबन 5 बजे CDO आवास के पीछे स्थित मोहल्ला छबरा पुरवा निवासी छात्र केतन पुत्र हरि नाम कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकला था, उसके साथ में कुछ दोस्त भी थे। तभी कलेक्ट्रेट के पास सोल्जर बोर्ड चौराहे पर कार की चपेट में छात्र आ गया। वहां पर पुलिस पिकेट भी थी। छात्र जब कार में फंस गया तो सिपाहियों के साथ ही आसपास भीड़ ने आवाज लगाई और कार के पीछे दौड़ पड़ी। भीड़ को पीछे आता देख चालक ने कार की स्पीड और बढ़ा दी। इस बीच छात्र का पैर कार के पिछले हिस्से में फंसा हुआ था जिससे छात्र कार के साथ रोड पर घिसटता रहा। कार के पीछे कुछ लोगों ने बाइक का पीछे से दौड़ाई जिसके बाद कार चालक ने तहसील के पास से कार को विष्णुपुरी मोहल्ले जाने वाली गली में मोड़ दिया। कार चालक वहां से भागते हुए काशीनाथ ज्वेलर्स की दुकान के पास पहुंचा जहां जाम के बीच कार फंस गई। जैसे ही कार रुकी तो लोगों ने चालक को पकड़ लिया और गुस्साई भीड़ ने कार को पलट दिया। इस बीच सूचना पर कोतवाल संजय पांडे दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, चालक के साथ ही कार को सीधा कराया और कोतवाली ले गए हैं। घायल छात्र की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। SP राजेश द्विवेदी ने बताया कि धारा 308 में अभियोग दर्ज किया गया है, इसको गंभीरता से लिया गया है और जो ड्राइवर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी पीड़ित की हालत ठीक है, डॉक्टर से संपर्क करके सम्यक इलाज कराया जाएगा। कभी सोल्जर बोर्ड चौराहे पे गाड़ी आया और उसमें मतलब हम लोगों की साइकिल थी और एकदम स्लिप हो गए। हम अलग साइकिल से थे, मेरा दोस्त अलग साइकिल से था, स्लिप हो गए, पैर फंस गया और वो तब तक की जाम खुल गया। वहाँ से घसीटता हुआ गाड़ी ले गया और फिसलते फिसलते पूजा होटल वाली गली से आके इधर बड़े चौराहे पे रोका के अभी लोग रुकते हैं लेकिन वो रुके ही नहीं, जब चोट लग गई और गाड़ी वाला खराब हो गया, गाड़ी छोड़ के भाग गया। क्या हुआ है पूरी बात डिटेल में बताओ। हम लोग कोचिंग जा रहे थे अखिलेश्वर की, वो सोल्जर बोर्ड चौराहे पे उसने गाड़ी वाले पे उनका हैंडल जड़ गया उसमें और वो उसका पैर फंस गया, वो पूरा पूजा होटल वाली गली से लेके पूरा काशीराम वाली वहाँ तक ले गया घसीट के। अच्छा। उसके पैर एर में सब में चोट आ गई है। क्या नाम है? केतन कुमार। इसकी चोट लगी क्या नाम है? केतन कुमार। आपका क्या नाम है? अंश कश्यप। अंश कश्यप। कहाँ रहते हैं, किस मोहल्ले में? हम लोग रहते हैं CDO आवाज झबरा पुरवा में। दोनों लोग? हाँ। जिनको चोट लगी उनका नाम क्या है? केतन कुमार। केतन कुमार और उनके पिता का नाम है हरनाम, हरनाम कुमार। ये सर इसमें ये जो है अभियोग दर्ज किया गया है धारा 308 में, इसको गंभीरता से देखा गया है और जो ड्राइवर था गाड़ी का उसको अरेस्ट कर लिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी पीड़ित की हालत ठीक है और डॉक्टर से संपर्क करके सम्यक इलाज कराया जाएगा। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।